नमस्कार दोस्तों, जीएस के एक और टॉपिक में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौगोलिक विस्तार। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि भारत किस देशांतर से किस देशांतर या किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में स्थित है। अगर हम मैप में देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी साइड में स्थित है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत 6° 4' नॉर्थ से 37° 6' नॉर्थ में स्थित है। अगर देशांतर की बात करें तो 68° 7' ईस्ट से 97° 25' ईस्ट में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो ग्लोब पे जो पड़ी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो अक्षांश होता है और जो खड़ी लाइन या लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है उसे देशांतर कहते हैं। ये काल्पनिक लाइन्स होती हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो 68° 7' ईस्ट से 97° 25' ईस्ट के बीच में, देशांतर के बीच में, या ये कहें कि पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। और इन दोनों के बीच में भारत की मानक समय रेखा जो 82.5° पूर्वी देशांतर होती है स्थित है। आप ये क्वेश्चन हमेशा सुनते होंगे कि भारत की मानक रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, जो भारत की मानक रेखा जो यूपी में नैनी के पास से गुजरती है, जो कि प्रयागराज में है, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है। दोस्तों, 82° अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, इन पांच राज्यों से होके गुजरती है। आप अगर यहां देखें तो हमने लिखा भी है भारतीय मानक रेखा 82° पर उपस्थित राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इसको याद करने का कोई ट्रिक मत अपनाइए, ये पांच राज्य हैं। और कभी कभी तो आपसे ऐसे पूछ देता है कि ऊपर से नीचे का सीरियल क्रम पूछ देता है, आप ट्रिक अपनाएंगे तो सीरियल नहीं याद कर पाएंगे, इसीलिए ऐसे ही याद कीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर हम भारत की सबसे ऊपरी छोर और सबसे निचले छोर की बात करें तो भारत का सबसे ऊपरी सिरा जम्मू कश्मीर और सबसे नीचे जो मेन लैंड है, भारत की जो मुख्य भूमि है, वो सबसे नीचे कन्याकुमारी तक है। भारत की मुख्य भूमि, दोस्तों देखिए, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत की मुख्य भूमि जो ये कन्याकुमारी है, इसके नीचे, इसके और नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ तक है। लेकिन हम मुख्य भूमि, ये भारत की टोटल भूमि है, लेकिन हम मुख्य भूमि को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मानते हैं। और ये मुख्य भूमि ये यहाँ तक 8° 4' यानी कि 37° 6' नॉर्थ से 8° 4' नॉर्थ तक भारत की मुख्य भूमि है। और इसकी अगर लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी कि यहाँ से और यहाँ तक देखें तो इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, अब आते हैं कर्क रेखा पे। आपको पता होगा कर्क रेखा यानी कि 23.5° भारत के बीचों बीच से गुजरती है। क्वेश्चन ये आता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होके गुजरती है। तो आप देखेंगे कि 6° 4'
फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 23.5 डिग्री, फिर बढ़ते बढ़ते 37.6 डिग्री, ये इन्हीं अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। देशांतर के भी बात करें तो 68.07 पूर्व से, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर 82.5, फिर आगे बढ़ते जाएंगे 97.25 ईस्ट तक भारत स्थित है। अब बात आती है कि कर्क रेखा पे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पे स्थित हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैप में देखेंगे गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर, मिजोरम। ये 8 राज्य भारत के जो कर्क रेखा पे स्थित हैं। दोस्तों अब 2 पॉइंट और पढ़ेंगे हम। सब जो भारत के सबसे उत्तर में जो छोर है उसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे निचला जो छोर है भारत का वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था, फिर इसका नाम इंदिरा पॉइंट हो गया। ये है अंडमान निकोबार। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।